we have completely discussed present indefinite tense, and today we will discuss what is the type of the question that are asked in the examination. Okay, so we will, there are some 10 sentences, we will solve them. Okay, कल मैंने आपको बता दिया था कौन कौन सी एडवर्ब्स फिल की जाती है, एडवर्ब्स को देखकर कि आप कैसे आप वर्ब को बिल्कुल फिल कर पाएंगे, इसके अंदर क्या क्या यूजेज होते हैं, कल मैंने आपको समझा दिया था, बेसिकली हर चीज मैंने बता दी थी, और इस तरह के क्वेश्चंस का पैटर्न आपको एग्जाम में देखने को मिलता है। तो आज हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट सेंटेंस से, दैट इज ही ऑलवेज स्पीक इंग्लिश, ही ऑलवेज स्पीक इंग्लिश। ऑलवेज आपको पता होना चाहिए, मैंने कल बताया था सिंपल प्रेजेंट टेंस या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस भी कह सकते हो, उसमें जो एडवर्ब यूज़ किया था उसको हमने ऑलवेज लिखा था प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अंदर। हम देखते हैं थर्ड पर्सन, देयर इज थर्ड पर्सन एंड इन सिंगुलर फॉर्म ही, यहाँ है आपको इस वर्ब को, सुटेबल वर्ब को आपको इसके अंदर फिल करना है, मीन्स यू विल बी गिवन सम questions like this to for filling appropriate or suitable verbs in the fill up in the examination. तो आपको बिल्कुल same इस तरह का pattern देखने को मिलेगा। तो यहाँ first sentence भी इसी तरह का है, he always dash speak English। आपको ये पता लग गया कि always present indefinite tense की adverb होती है, यहाँ third person है singular form के अंदर, तो हमको यहाँ क्या लिखना है, आपका sentence structure आपको पता होना चाहिए कि सब्जेक्ट के बाद में आपको गिवन देन ऑब्जेक्ट का यूज करना पड़ता है, एंड थर्ड पर्सन सिंगुलर फॉर्म में है, तो सिंगुलर फॉर्म में है तो आपको वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ में एस और ईएस भी यूज करना पड़ता है, और आप इसको बी फिफ्थ भी कह सकते हैं, हम इसको बी फिफ्थ भी कह सकते हैं व्हेनेवर वी ऐड एस एंड एस और ईएस इन बी वन, देन इट कैन बी कॉल्ड बी फिफ्थ। तो आपके सामने सेंटेंस स्ट्रक्चर मैंने बता दिया कि आपको सब्जेक्ट हमको दिखना है, ही इज द सब्जेक्ट, एंड थर्ड पर्सन भी है, ये थर्ड पर्सन सिंगुलर फॉर्म में है तो हमको एस और ईएस का यूज करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ स्पीक के अंदर हम एस और ईएस का यूज करेंगे तो स्पीक्स हो जाएगा, तो द आंसर विल बी द ही ऑलवेज स्पीक्स इंग्लिश, दिस इज द करेक्ट सेंटेंस। ओके, आपने कैसे आइडेंटिफाई किया कि हमको इसके अंदर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस फिल करना है, आपने इस ऑलवेज एडवर्ब से पहचाना कि हमको इसके अंदर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस यूज करना है, तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड इट इज वेरी वेरी यूजफुल टू लर्न दैट एडवर्ब दैट आई रोट यू यस्टरडे। आपको जो मैंने यस्टरडे जो एडवर्ब्स राइट करवाई थी और जो मैंने रूल्स कुछ यूजेस बताए थे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के, उसको आपको बिल्कुल प्रॉपर तरीके से लर्न करना है, तभी आप बिल्कुल सूटेबल वर्ब को भर पाएंगे, फिल कर पाएंगे, नहीं तो आपका सेंटेंस गलत भी हो सकता है। यू शुड डैश रेस्पेक्ट द एल्डर्स, ओके, यू शुड रेस्पेक्ट द एल्डर्स, ये आपकी रेस्पेक्ट आपको ब्रैकेट के अंदर फिल करना है, यहाँ आपको फिल अप के अंदर ब्रैकेट में दे रखा है उसको। तो आपको कल मैंने बताया था मॉडल के साथ हमेशा वी वन यूज किया जाता है, मॉडल के साथ हमेशा कौन सी वर्ब की कौन सी फॉर्म यूज करते हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करते हैं, तो ये मॉडल होता है, मॉडल दे रहा 13 मॉडल इन इंग्लिश, देन वी विल यूज वी वन। तो रेस्पेक्ट की फर्स्ट फॉर्म रेस्पेक्ट होती है, कोई एस और ईएस का यूज नहीं आएगा बिकॉज देयर इज नो थर्ड पर्सन, दिस इज सेकंड पर्सन यू, सिंगुलर फॉर्म में तो है बट ये क्या है, ये सेकंड पर्सन है। यू शुड रेस्पेक्ट द एल्डर्स, तो इसमें ऐसे कैसे बन जाएगी, ऐसे कैसे जो ब्रैकेट में वर्ब दे रखी है आपको फिल अप करनी पड़ेगी इसके अंदर। Stars dash twinkle at night. This is the universal fact कि जो तारे होते हैं वो रात में ही टिमटिमाते हैं। तो stars twinkle at night universal truth वाला जो sentence है that belongs to present indefinite tense, मैंने कल बता दिया था, तो पहला यूज बताया था, तो इसमें हम क्या फिल करेंगे, twinkle, okay? तो ये भी ऐसे कैसे आ जाएगा ब्रैकेट से फिल, इसको ऐसे ऐसे कर देंगे, स्टार्स ट्विंकल एट नाइट। और जब हमारा सेकंड लेक्चर था तो मैंने आपको ये बताया था कि जब हमारा सब्जेक्ट प्लूरल होगा तो हमको वर्ब भी कैसे लेनी पड़ेगी, प्लूरल लेनी पड़ेगी, जब ये स्टार्स यहाँ प्लूरल है तो यहाँ ट्विंकल भी प्लूरल है, ओके, सब्जेक्ट
प्लूरल सब्जेक्ट ऑलवेज टेक्स प्लूरल वर्ब। एस और ईएस जब नाउन के अंदर रखता है तो वो प्लूरल होता है, लेकिन जब वर्ब के अंदर एस और ईएस रखता है तो वो सिंगुलर हो जाती है। अभी ये क्या है, प्लूरल है, तो प्लूरल के साथ में प्लूरल। दैट्स व्हाई ट्विंकल ऐसे कैसा है। यहाँ स्टार्स देखोगे आप थर्ड पर्सन मान करके, यहाँ ट्विंकल्स मत करके आ जाओ, ट्विंकल्स करोगे तो गलत हो जाएगा, बिकॉज यहाँ प्लूरल फॉर्म में, तो यहाँ भी प्लूरल फॉर्म में फिल करनी पड़ेगी। ये बहुत ही बेकार इशू होता है, ये आप मिस्टेक नहीं करनी इस चीज में बिल्कुल भी। ओके, ट्विंकल एट नाइट यूनिवर्सल फैक्ट वाला सेंटेंस था जो आपने बिल्कुल कर दिया इसको सही। राम एंड लक्ष्मण गो फॉर मॉर्निंग वॉक डेली। You should know daily is the adverb that can be used in present indefinite tense. Yesterday I told you. Okay, daily जो adverb होती है वो भी mostly present indefinite tense के अंदर use की जाती है। तो राम एंड लक्ष्मण, राम इज थर्ड पर्सन, लक्ष्मण इज आल्सो थर्ड पर्सन, बट अब दो हो गए ये। मैंने यहाँ लिखा था थर्ड पर्सन मस्ट बी सिंगुलर, तो आपको फिफ्टी यूज करनी पड़ेगी या वर्ब के अंदर एस और ईएस का यूज करना पड़ेगा। लेकिन यहाँ राम एंड लक्ष्मण देर आर प्लूरल सब्जेक्ट, ये प्लूरल है सब्जेक्ट, हो गया दो है, एक नहीं है, सिंगुलर नहीं, प्लूरल बन गया। तो यहाँ बिल्कुल ध्यान से फिल करेंगे हम। अभी मैंने जस्ट ऊपर समझाया कि प्लूरल सब्जेक्ट ऑब्वियसली प्लूरल वर्ब, तो ये भी सिंगुलर थर्ड पर्सन तो है बट ये सिंगुलर फॉर्म में नहीं है, ये प्लूरल फॉर्म में हो गया इसका सब्जेक्ट, तो हमको भी प्लूरल वर्ब भी फिल करनी पड़ेगी। एंड दैट इज गो, दैट इज गो। आपको समझ में आ गया होगा, अगर राम ही होता यहाँ या अकेला लक्ष्मण ही होता तो हम दो गोज फिल करते, यहाँ राम एंड लक्ष्मण दोनों है इसलिए हमको प्लूरल वर्ब यूज करनी पड़ेगी, एंड दैट इज गो। ओके, लुक एट द नेक्स्ट सेंटेंस, द प्राइम मिनिस्टर डैश रिटायर नेक्स्ट मंथ। प्लांट फ्यूचर इवेंट एक्सपेक्टेड टू हैपन, तो उस वाले सेंटेंस के अंदर हम क्या फील करते हैं, प्रेजेंट डेफिनेट टेंस को यूज लेते हैं। फ्यूचर मतलब जो ऑफिशियल टाइम टेबल होता है, चाहे वो मिनिस्टर्स हो या सेलिब्रिटीज हो, इनको ऑफिशियल एक्टिविटीज पहले से डिसाइडेड होती है। ओके, चाहे वो नेक्स्ट मंथ में रिटायर होंगे लेकिन उनका टाइम टेबल शेड्यूल प्रेजेंट टाइम में ऑलरेडी डिसाइड हो चुका है, तो वी विल यूज प्रेजेंट डेफिनेट टेंस हियर। दिस इज थर्ड पर्सन एंड सिंगुलर इन फॉर्म, ये थर्ड पर्सन में हम ध्यान है प्राइम मिनिस्टर है और थर्ड पर्सन सिंगुलर फॉर्म में, तो यहाँ रिटायर का क्या बन जाएगा, रिटायर्ड हो जाएगा। ये क्वेश्चन बार बार रिपीट होता हुआ आया अभी तक एग्जाम्स में, तो आपको बिल्कुल ध्यान से देखना इस सेंटेंस को, द प्राइम मिनिस्टर रिटायर्स नेक्स्ट मंथ। इफ यू आर लुकिंग एट दिस साइड देयर इज रिटन नेक्स्ट मंथ, यहाँ नेक्स्ट मंथ लिखा गया है, जो कि फ्यूचर को आइडिया ऐसा आता है कि फ्यूचर टेंस फील हो सकता है, बट मैंने आपको बता दिया कि ये जितने भी इस तरह के सेंटेंस होते हैं ऑफिशियल एक्टिविटीज होती है इनका टाइम टेबल का शेड्यूल पहले से फिक्स होता है, इसलिए प्रेजेंट में फिक्स होता है, इसलिए प्रेजेंट में ही हम इसको यूज करेंगे। ओके, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सेंटेंस है, इसको ध्यान रखना है आपको। नेक्स्ट इज आवर स्कूल डैश सेलिब्रेट फेयरवेल फंक्शन एवरी ईयर। यू शुड रिमेंबर प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस के अंदर हम एवरी ईयर फिल करते हैं, एवरी ईयर का यूज किया जाता है, मतलब एवरी ईयर एडवर्ब किस कौन से टेंस की, प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस की है। एवरी ईयर, एवरी मंथ, एवरी डे, ये सब प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस को आइडेंटिफाई करने के लिए एडवर्ब बताई गई है आपको। तो आर स्कूल सेलिब्रेट्स, क्या जाएगा इसके अंदर, सेलिब्रेट्स। ओके, सो दिस इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट, आर स्कूल सेलिब्रेट्स फेवरेट फंक्शन एवरी ईयर। नेक्स्ट, he dash walk up early in the morning, ye uske habitual action ko show kar raha hai, this sentence related to habitual action, habit mein hai uski ko ki jaldi uthta hai daily morning ke andar, wo jaldi jaag jata hai, to he hai yahan, he is the third person in that is singular form, to yahan kya jayega, walks up jayega, he walks up early in the morning। bilkul yahan seekhna hai aapko, केशव डैश नॉट फॉलो बैड हैबिट्स, केशव नॉट फॉलो बैड हैबिट्स, ये जनरल फैक्ट है, तो इसमें भी हमको क्या फील करना, देखिए अब आपके सामने यहाँ नॉट है एंड नॉट इज यूज विद हेल्पिंग वर्ब ऑलवेज, बिकॉज हमसे नेगेटिव सेंटेंस बनाना चाहता है, तो नेगेटिव सेंटेंस बना तो देंगे हम, बट हमको क्या यूज करनी पड़ेगी, हमको हेल्पिंग वर्ब यूज करनी पड़ेगी,
and there are two helpers that will be used in present indefinite tense. यहाँ केशव है, केशव इज थर्ड पर्सन और मैंने बताया था आपको ही शी इट ऑलवेज टेक्स डज, तो यहाँ क्या जाएगा ये ही पॉइंट पे कर रहा है इसलिए क्या जाएगा यहाँ डज और ये ऐसे कैसे बन जाएगा डज नॉट फॉलो. अब जब इधर एस और एस आ गया तो फिर फॉलो के अंदर एस और एस नहीं आएगा तो फॉलोज नहीं बन पाएगा तो केशव डज नॉट फॉलो एट टेनिस दैट विल बी करेक्ट सेंटेंस. शी सेल्डम डैश टेक ए कप ऑफ टी Look at the next sentence. I cannot lift that heavy box. आपको lift की इसके अंदर verb fill करनी suitable appropriate verb इसके अंदर fill करनी है. तो you can look at it. There is modal here. Modal always take V1. तो हमको यहाँ V1 as it is fill करनी है. Okay students, there are 10 sentences we have solved them. आपको बिल्कुल carefully एक एक ऑब्जर्व करते हुए देखना है और कुछ समझ में नहीं आ रहा है कुछ चीज समझ में नहीं आई हो आपको तो आप आराम से अपने YouTube चैनल के कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं. ओके तो ये 10 सेंटेंस थे एंड फाइनली वी हैव कंप्लीटेड प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस. ओके ये पूरा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस शुरू से लेकर 4 लेक्चर के अंदर पूरा हो गया लेकिन जितना भी हमने किया है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. ओके तो आपको एक एक चीज को ध्यान से सीखना है. आज भी थोड़ा बहुत प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का भी आपको बता देता हूँ आइडिया कि कैसे इसके सेंटेंस बनाए जाते हैं. ओके लुक एट इट. प्रैक्टिस इज मोस्ट इम्पोर्टेंट. तो प्रैक्टिस के बिना कुछ भी नहीं है. प्रैक्टिस नहीं करोगे तो कुछ भी मतलब नहीं है. सारा भूल जाओगे यार. इसलिए प्रैक्टिस करनी पड़ेगी आपको. हम ये सोचेंगे भाई हम वीडियो देख करके सीख लेंगे. सीख तो लोगे लेकिन उसकी प्रैक्टिस जरूरी है. नेक्स्ट प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस. प्रेजेंट Continuous tense. Okay. It this tense expresses. It expresses the action that is continuing. आपको ध्यान से सीखना है. आपको इस टेंस अब टेंसेस को हम आपको इसके नेम से आइडेंटिफाई करते हुए इसको पहचानना है. प्रेजेंट कंटीन्यूअस. कंटीन्यूअस का मतलब होता है रेगुलर लगातार कोई भी काम को करते रहना. एंड ये जो कंटीन्यूअस एस्पेक्ट है इसको शो करने के लिए आपको आईएनजी का यूज करना पड़ेगा और V1 के अंदर ही आईएनजी यूज की जा सकती है. V1 के अंदर आईएनजी का यूज करेंगे हम. ओके बाकी सेटिंग फॉर्म थर्ड फॉर्म के अंदर यू कांट यूज आईएनजी. And whenever you will use V1 and ING, this will be called V4th. Okay? इसको V4th कहेंगे हम. V1 के अंदर S और E use किया था, तो उसको आपने V5th कहा था. Whenever you will use V1 then ING, इसको बोलेंगे हम V4th. Okay? तो continuous aspect को show करने के लिए verb की first form में ING का use करना जरूरी है. Okay? तो इस tense के अंदर वो actions आएंगे, वो verbs आएंगे. जो कंटिन्यू एक्शंस को शो करेंगे. ओके हम देखेंगे. देखिए मैं आपको सेंटेंस से बता देता हूं सेंटेंस का इस टेंस का सेंटेंस स्ट्रक्चर. हाउ कैन वी मेक द सेंटेंस ऑफ प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस. लुक एट द वर्ड सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब V1 देन ING. ओके देन ऑब्जेक्ट. व्हाट इज मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग टू नोट इट डाउन That is help you out. Present indefinite tense के affirmatives में help you out use नहीं होती है, but present continuous के affirmative में हमको help you out use लेनी पड़ेगी.
and that are is, am and are. Okay? Is, am, are का यूज़ हम बता रहे थे ना आपको, he, she, it के साथ में and naming words जो होते हैं, names जो होते हैं, naming words और singular nouns के साथ, singular nouns के साथ भी आपको steps करना है, आपको is का यूज़ करना है, I, am will be used with I, I के लिए भी है, you है and they है. एंड इसके अलावा प्लूरल नाउंस है, प्लूरल नाउंस. ओके, तो आपको ये मैंने बेसिकली बता दिया, ई इज विल बी यूज विद ही, शी, इट, नेम्बर्स एंड सिंगुलर नाउंस, एम विल बी यूज विद आई ओनली, आर विल बी यूज विद वी, यू, दे एंड प्लूरल नाउंस. ओके, सब्जेक्ट मैंने आपको बताया था फर्स्ट डे भी, सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट कैन बी सेम इन ईच एंड एवरी सेंटेंस, but your helping verb and main verb will be different in each मतलब in each tenses, और सभी tenses के अंदर आपकी verb तो different होगी होगी, verb पर ही है पूरा के, subject के बाद में आपको helping verb, v1 ing object का use करना है, continuous aspect को show करने के लिए ing का use करना है, बहुत ही जरूरी है, present में जो work regularly कर रहे हो, for example you are listening to me, I am speaking, I am, we are studying present continuous tense, तो present time में जो work regularly कर रहे हैं, लगातार करे जा रहे हैं, उसको present continuous में लेते हैं हम, और present continuous में ले रहे हैं, तो उसके लिए ing इस continuous aspect को show कर रहा है, okay? तो एक दो sentence बनाते हैं. देखिए बोर्ड पे subject, for example मोहित के साथ में देखिए, इस के साथ में ही के साथ में क्या लग रहा है, मोहित इज कुक, देन आईएनजी का यूज करेंगे तो ये बन जाएगा कुकिंग. ओके, कुकिंग फूड, लॉकडाउन में सभी खाना बनाने का काम कर रहे हैं बहुत ही लोग, तो मैंने मोहित भी वही कर रहा है, कोई स्पेशल वर्क नहीं कर रहा है, मोहित इज कुकिंग फूड, मोहित इज कुकिंग फूड, सब्जेक्ट helping verb, main verb and object tense. ओके, आप देख सकते हैं मोहित इज कुकिंग फूड, मोहित इसका हिंदी ट्रांसलेशन कैसे कर पाएंगे, मोहित इज कुकिंग फूड को बोलेंगे हम मोहित खाना बना रहा है या मोहित खाना पका रहा है, प्रेजेंट में कंटिन्यूअसली वर्क कर रहा है, वो खाना बनाने का काम लगातार कर रहा है, इसलिए हमने आईएनजी से शो किया है. ओके, मोहित इज कुकिंग फूड टू मेक नेगेटिव सेंटेंस. अब आपके लिए बहुत ही इजी हो गया यहाँ, क्योंकि वहां आपको डू और डज का यूज करना पड़ा था, जो कि अफर्मेटिव में यूज नहीं की जाती थी, बट यहाँ अफर्मेटिव में इज एम आर का यूज करने से केवल आपको नॉट का यूज करना है, तो मेक नेगेटिव सेंटेंस यू मस्ट यूज नॉट विद हेल्पिंग वर्ब. तो मोहित को जैसे जैसे राइट कर देते हैं हम, इज नॉट कुकिंग फूड, इज नॉट कुकिंग फूड, तो इस तरीके से सेंटेंस बन जाएगा ये, मोहित इज नॉट कुकिंग फूड, मोहित खाना नहीं बना रहा है. Then if you will put helping before subject, this will become indirect sentence. So is Mohit cooking food? क्या मोहित खाना पका रहा है? Then question mark. So ये जो तीनों ही मैंने आपको तीनों फॉर्म्स बता दिया, affirmative, negative, interrogative. Okay? तो ये आपने हमने present continuous tense पढ़ा. कल मैं आपको इनकी एडवर्ब्स बताऊंगा कि कैसे एडवर्ब्स का यूज करते हुए हमको सूटेबल वर्ब को फिल करना पड़ेगा क्वेश्चंस के अंदर, जिस तरीके से सेंटेंस एग्जाम्स में आते हैं. आई होप यू आर डूइंग प्रैक्टिस रेगुलरली एट होम एंड दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. ओके ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू, हैव अ नाइस डे.